हेलो दोस्तों, पिछले 1.5 साल से लगातार हम आपके पास सीयूईटी की अपडेट देते आ रहे हैं। साथ में आपको सीयूईटी के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पिछला 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी तक ऑलमोस्ट दिसंबर आने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन चल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फिर से हमारे साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, फिर किसी इंस्टीट्यूट के साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट यार जो स्टूडेंट पहले से एक्टिव थे रिगार्डिंग द सीयूईटी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को तो एग्जाम पे टाइम पे पता चला था, एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है, लेकिन यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पहले से पता था जिनको कि ऐसा ऐसा एग्जाम होता है, और वो जो है पहले से किसी इंस्टीट्यूट में या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे थे। तो वो जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी किसी ना किसी कॉलेज के अंदर चले गए हैं। अब जिन भी स्टूडेंट को नहीं मिला है और किस कॉलेज की क्या अपडेट है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपको लोगों को मैं बता दूं कि यार स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी सारा ट्यूटोरियल है वो हम स्टार्टअपिस्ट पे डालते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके स्टार्टअपिस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर दो उसको, क्योंकि बहुत बार मैं बोलता हूँ लेकिन आप लोग फ्री की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता। जाके स्टार्टअपिस्ट को सब्सक्राइब करो, और यार हमारे जीवन का बस एक ही मकसद होता है, वो है सब्सक्राइब करना, ठीक है। एक ही मकसद होता है, चाहे हम खाना खाने जाके बैठते हैं, चाहे कोई मिलने आता है, तो वही हमसे यही बोलता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि ये बोल दो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मतलब एक यूट्यूबर अगर कोई बन जाता है, चाहे वो IIT से हो, चाहे वो NIT से हो, जब उसके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब तक 1000 नहीं होते तब तक तो उसको गालियां ही मिलती है कि क्या कर रहा है, जब 1000 हो जाते हैं तो लोग ये मजाक उड़ाते हैं कि भैया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो यही पूरे जीवन भर चलता रहता है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जरूर से सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, इसके अंदर एडमिशन चल रहे हैं अभी, एंड असम यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम सिलचर के अंदर ये पढ़ता है। इसकी क्या अपडेट है, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो एडमिशन हो चुका है, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो BLLB हो, अब स्टूडेंट का ये कहना है कि भैया हमको कब जाना है, हमको कोई ईमेल नहीं आया, हमारी क्लासे कब से हैं, शेड्यूल क्या है यूनिवर्सिटी का, हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, इसकी तरफ से हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इन सब के लिए आप जो है इनके डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करिए। सो यार बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो कि स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, जिसके अंदर ये कॉलेज भी आता है, और इस कॉलेज ने भी कोई अपडेट नहीं दिया बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नोटिसेस निकाल रहे हैं लेकिन प्रॉपर कोई भी गाइडेंस नहीं है वहाँ पे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कब डॉक्यूमेंट क्या ले आना है। यार बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिसेस आ चुके हैं अभी, जैसे कि सेकंड राउंड एंड एडमिशन एंड फर्स्ट लिस्ट और मेरिट लिस्ट प्रोविजनल MSc इंटीग्रेटेड कंप्यूटर साइंस। भाई अलग अलग नोटिस निकाल देता है, बच्चों को कुछ समझ तो आता, मतलब आजकल के पता नहीं क्या हो गया इनको, मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरा वीडियो रिमूव करा देंगे वरना, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि IGNTU के जो है 3rd मेरिट लिस्ट 17 को आई थी, तो आपको 22 तक का टाइम दिया गया फीस पेमेंट का। जिन भी बच्चों ने अभी 3rd मेरिट लिस्ट में अपनी फीस पेमेंट नहीं की है, जरूर से जाके जो है अपनी फीस पेमेंट करिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। UG वाले बच्चों के लिए जो भी 3rd मेरिट लिस्ट आई थी, UG PG वाले बच्चों के लिए जो भी है 3rd लिस्ट जो आई थी, वो बच्चे जाके जो अपना फीस पेमेंट करें जिन्होंने अभी तक फीस पेमेंट नहीं किया है। उसके बाद यार आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है, क्या कितनी सीटें खाली है, और आप लोगों को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, वो हमारे कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग चार्जेस दे के ले सकते हैं एडमिशन। हालांकि यार स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है सेंट्रल, अगर जो भी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पोर्ट राउंड नोटिस आया है आज, तो वो भी देख लो क्या नोटिस आया है रिगार्डिंग दिस। कुछ कोर्सेज बता देता हूँ, जैसे कि यार यहाँ पे स्पोर्ट राउंड BCom BSc BSc IT, ठीक है, सैटेलाइट सेंटर एंड जो भी है इंटीग्रेटेड MSc BSc BSc जूलॉजी एंड बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आपके नोटिस आए हैं रिगार्डिंग द स्पोर्ट राउंड। तो स्पोर्ट राउंड में क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ मैं, पहले यार जाके जरूर उसको स्टार्टअप वाले को सब्सक्राइब करना है, दिल से बोल रहा हूँ मैं, 100 सब्सक्राइबर तो हो जाना चाहिए इस वीडियो को 100 लोग देखने के बाद। हाँ भाई तुम्हें ही बोल रहा हूँ, हाँ क्या देख रहे हो ऐसे, हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, गुस्सा आ जाता मेरे को बहुत बार। तो यार 8 पेज का स्पोर्ट राउंड का नोटिस आया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का,
सारे के सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द ऑल द डिटेल टिल 30/12 एंड आपका जो स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होने वाला है वो ऑलमोस्ट होने वाला है कितनी तारीख को, फिजिकली मोड 24 तारीख को होने वाला है। और हाँ, ये साफ साफ लिखा गया कि ऑनलाइन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट ना डाले ईमेल पे या फिर किसी भी कंडीशन में ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर द 5th एंड 7th स्लॉट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पीजी एंड यूजी कोर्स स्पोर्ट काउंसलिंग फिजिकल मोड विल बी स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स, नो रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन मोड विल बी इंटरप्रेट, ओके। कैंडिडेट विल बी केल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी इन द कोर्स रेशियो 1/10। The detail of vacancy is tentative nature as process of counseling is dynamic, okay। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्द सारे बच्चे जिनको भी एडमिशन लेना है बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी में 24 तारीख को पहुंच जाए अपने डॉक्यूमेंट एंड फीस लेके। और बेटर अपडेट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं आप। हॉस्टल वगैरह बहुत ही कम अवेलेबल है क्योंकि ज्यादा हॉस्टल अवेलेबल है नहीं फैसिलिटी। बेटर अपडेट के लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको जरूर से पढ़ लेना आपको लोग, ठीक है। एंड यूजी वाले बच्चों के लिए स्पोर्ट राउंड हो रहा है 24/11 to 25/11। पीजी वाले बच्चों के लिए आप कैटेगरी हिसाब से देख सकते हो, पीजी वालों के लिए 28/11 to 30/11 हो रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ये जो यूजी वाले बच्चों के लिए जो है 26 को होगा एंड पीजी वालों के लिए 1 को होगा 1 दिसंबर को। इसके साथ ही जो है जनरलेशन ऑफ चालान जो है वो 28 तक रहेगा यूजी वाले बच्चों के लिए और 2 तक रहेगा पीजी वाले बच्चों के लिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिट फीस यूजी वालों के लिए 30 नवंबर पीजी वाले बच्चों के लिए 5 दिसंबर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजी वालों का 1 दिसंबर को है, पीजी वालों का 6 दिसंबर को है, मतलब कि मेरा बर्थडे है, ठीक है। थैंक यू। एंड यहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दिया गया है जो कि आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेरे को सारी के सारी यूनिवर्सिटियों की अपडेट देनी है तो मैं अभी थोड़ा स्पीड से चलूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी सुनिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग ऑलरेडी राउंड आ चुके हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड चल रहा है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश स्पोर्ट राउंड चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में भी स्पोर्ट राउंड चल रहा है। इसके साथ ही बात करते हैं यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, यार उसके बाद जैसा कि मैं बता रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है दोपहर से, और हालांकि उसका भी स्पोर्ट राउंड होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में क्लासेज दबंग चल रही है, वहाँ पे एडमिशन वगैरह सब कुछ क्लोज हो चुका है यूजी पीजी दोनों का। उसके बाद यार बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो यार अगर हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड हो चुका है, अगर 1-2 सीटें बचती है तो आप उनके एचओडी को डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन को ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ आगे बताऊँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, जम्मू के अंदर स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे आपको पेड सीट का भी ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे जो है पेड सीट भी मिल जाती है जनरली, तो आप उसके लिए यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप जो है आपका एडमिशन भी कराते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में, गवर्नमेंट में कराते हैं प्राइवेट में नहीं कराते, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि जम्मू की तरफ से काफ़ी दिनों से अपडेट आ ही नहीं रहा है यूजी वाले बच्चों के लिए, 3rd राउंड के बाद कोई अपडेट नहीं दे रखा है इन लोगों ने, हालांकि बहुत सारे बच्चों को मेरे को जो आ रहा है डिटेल के भैया हमको जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से ईमेल वगैरह आ रहा है, तो आप जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। जैसा कि यमती गढ़वाल यूनिवर्सिटी वगैरह की तरफ से बी फार्मा वगैरह कोर्सेज के लिए बहुत सारे बच्चों को ईमेल आए 25 तारीख को काउंसिलिंग के लिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं आए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में काफ़ी दिनों तक स्पोर्ट राउंड चला था, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में पीजी वाले बच्चों के लिए यूजी वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड वगैरह चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 20 तारीख तक स्पोर्ट राउंड चला था, वो भी विदाउट सीयूईटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका केरला में ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो यार उड़ीसा में भी ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड का नोटिस आ रखा था, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर चेक करके देखें तो क्या अपडेट है क्या सारा सीन है, यार वीडियो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का हो सकता है तो आप लोग जरूर से देख सकते हो उसको, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फॉर स्पेशल ड्राइविंग एडमिशन, तो इसकी इसके ऊपर भी जो है स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड नोटिस आ रखा है। तो यहाँ पे जो है कब होने वाला है 28 नवंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट के अंदर एडमिशन हो रहा है वैकेंट सीटों पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक यूजी एंड पीजी वाले कोर्सेज के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज में यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं,
जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम आपका डेफिनेटली एडमिशन कराने का ट्राई करते हैं। और हमारे कुछ ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है, एक पिज्जा का चार्ज लेते हैं सिर्फ, ताकि हम भी पिज्ज़ा खा सकें। तो आप जस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पर या फिर व्हाट्सएप पर, ठीक है। पिज्ज़ा का प्राइस आप देख सकते हो कितना सा नॉर्मल सा प्राइस होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से ऑलरेडी अभी थर्ड राउंड आ चुका है एंड फोर्थ राउंड ओपन काउंसलिंग जल्दी होने के चांसेस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो ऑलमोस्ट वहाँ पे सीटें वैकेंट थी जो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी एडमिशन के काफ़ी सारा प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एक सर है साउथ बिहार गया से ही है वो, एमडी मुदासिर आलम, ठीक है। मैं जब बचपन में था तो मैं उनके वीडियो देखा करता था, काफ़ी वीडियोस बनाते थे वो, सारी यूनिवर्सिटियों का तो नहीं बना पाते लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई थिंक हिंदी साहित्य के टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो आप उनके चैनल पे जा सकते हो, आई थिंक वो हर रोज़ वीडियो डालते हैं CUET से रिलेटेड, तो और तो सभी का मुझे नहीं पता लेकिन उनके वीडियोज़ मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, ठीक है। कंप्यूटेटर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो, तो उनके वीडियोज़ आप ज़रूर से देख सकते हो। MD मुदासिर आलम ऐसे कुछ चैनल मिलेगा आपको, CUET साउथ बिहार सी है वो टीचर, और वहाँ की सारी अपडेट आपको मिल जाएगी उस पर, ठीक है। रियली यार पॉसिबल नहीं होता ना हर रोज़ हर यूनिवर्सिटी के बारे में, वो हर रोज़ चैनल पे डालते ही रहते हैं शायद उसके बारे में। उसके बाद यार मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड हो चुका है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कोर्सेज के लिए ऑलरेडी ऑफलाइन काउंसलिंग हो चुकी है, हालांकि अभी भी बहुत सारे कोर्सेज में चल रही होती है, हर रोज़ नोटिस आता है रिगार्डिंग द काउंसलिंग स्पेशली PG एंड UG कैटेगरी के लिए। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए या फिर हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन नोटिस ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस, तो उसकी तरफ से क्या नोटिस आया है, डिप्लोमा जो कोर्सेज है ना उसके अंदर जो है, और हाँ यहाँ पे जो है जस्ट लाइक जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप जो है वो भी कर सकते हो। उसके बाद JJU बिलासपुर में BTech वगैरह के लिए ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अगर अपन CUET की बात करें, CUET के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए हो चुकी है। अभी भी जिन भी कोर्सेज में हो रही है आप उनमें ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यार ऑलमोस्ट 75% कॉलेजों में अभी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, कुछ ही कॉलेज बचे हैं। जैसे IITs में क्लोज हुए काफ़ी दिन हो गए, 15 से 20 दिन हो गए क्लासेज स्टार्ट हुए, NITs में भी काफ़ी दिन हो गए, अभी आपको दिसंबर तक प्राइवेट में चलेगा एंड कुछ गिने चुने कॉलेजों में चलेगा और सब जगह क्लोज हो चुके हैं। हिमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि CUET के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है, DU जामिया BHU के बाद काफ़ी सारी सीटिंग का स्टेक करती है कॉलेज, एंड यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों की क्वारीज रहती है, ठीक है, रिगार्डिंग द एडमिशन। और यहाँ पे भी एक ही अभी की अगर अपन बात करें तो एक दिन के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए नोटिस निकालती है, चाहे वो UG हो चाहे वो PG हो। तो आप इस यूनिवर्सिटी का ज़रूर से ध्यान रखें, यहाँ पे भी आप ऑफलाइन जा सकते हैं। अभी बी फार्मा वाले बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों को ईमेल आए हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, तो आप इस यूनिवर्सिटी का ध्यान रखो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और यार मेरा एक बार फिर से याद दिला दूँ, मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर लो यार, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टार्टअपिस्ट को, ठीक है। 100-150 सब्सक्राइब तो कर दो, वहाँ पे एक दो वीडियो तो डालेंगे कम से कम, ठीक है। और बस हमारा जीवन तो यही कट रहा है, तुम लोगों को बता रहे हैं, तुम लोगों को एडमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यार यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोजिंग पे है, थर्ड राउंड आ चुका है UG PG वालों के लिए, 22 तारीख लास्ट डेट है, स्पोर्ट राउंड जल्दी आने के चांसेस है, ओपन काउंसलिंग के लिए बहुत ही कम चांसेस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सीटें भर चुकी है। जामिया मिलिया इस्लामिया का अदर प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे व्यूवरशिप बहुत कम है यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू में भी ऑलमोस्ट हो चुका है स्पोर्ट राउंड वगैरह है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड हो चुका है। यहाँ पे कुछ अपडेट यूनिवर्सिटियों के बारे में देना चाहूँगा, जैसे मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड चल रहा है, मिजोरम यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड चल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक बच चुके हैं वो इन कॉलेजों में अप्लाई करें, और जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और उनको ये लगता है कि इस बार हमको एडमिशन चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा सकते हो, हम हमारी तरफ से बखूबी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। मैं गारंटी नहीं दे सकता इस मोमेंट पर कि करवा ही देंगे, ठीक है ना, बस एक वो कर ट्राई कर सकते हैं, वो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि काफ़ी गलत है। उसके बाद यार मैं बात करूँ मौलाना आज़ाद अब्दुल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी है उर्दू यूनिवर्सिटी,
वहाँ पे CUET के बेस पे अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, आप कॉल वगैरह कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को ले सकते हो एडमिशन। उसके बाद यार दो काफ़ी अच्छे कॉलेज आते हैं, एक इफ्लू है एक विश्व भारती है, वहाँ पे भी एडमिशन चल रहे हैं लगातार, अभी क्लोज नहीं हुए हैं। उसके बाद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी इज़ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी स्पेशली UG एंड PG कैटेगरी। लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट के जो कॉलेजेज है जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी एडमिशन चल रहा है। इसके बाद इफ्लू में भी चल रहा है, ठीक है, इफ्लू को काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है स्पेशली लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, जैसे कि जर्मन हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, क्योंकि काफ़ी डिमांड रहती है इफ्लू, तो आप इसको भी टारगेट करो बच्चों। उसके बाद है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड विश्व भारती में भी स्पोर्ट राउंड चल रहा है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जैसे बारकोटला यूनिवर्सिटी हो गया, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया, झारखंड रक्षा शक्ति कॉलेज हो गया, जीवाजी कॉलेज मुझे बहुत घटिया लगता है, आप लोग देख सकते हो क्या सारा सीन है इंजीनियरिंग के लिए, अदर कॉलेजों के लिए अदर कोर्सेज के लिए काफ़ी अच्छा है। UT में ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है, ठीक है, जस्ट लाइक वहाँ पे काफ़ी दिनों पहले हो चुकी थी ऑफलाइन काउंसलिंग, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि एक दो सीटें मिल सकती है। तो UT भी बहुत अच्छा कॉलेज है गाइस, काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, मदन माहन मालवीय तो भी कॉलेज हूँ। UT के अंदर स्पोर्ट राउंड JEE के थ्रू, ठीक है, चल रहा है अभी, तो आप लोग जो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, और UT में ऑलरेडी हो चुका है यार, बस यही कहना चाहूँगा, और फिर अगले साल मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन मिला होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं भी मिला होगा, लेकिन गाइस दिस इज द कंपटीशन, और कंपटीशन किसको बोलते हैं, अब जरूर पॉसिबल नहीं ना कि सभी को मिल जाए, क्योंकि फिर पढ़ाई क्या होगी।